की बाबूपुरवा थाना पुलिस ने किदवई नगर मार्केट में दुकानों के बाहर अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए पहुंची, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान एक दुकानदार और पुलिसकर्मी से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद सिपाही ने व्यापारी को गालियां देना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी के द्वारा दी गई गाली के खिलाफ किदवई नगर व्यापारी भड़क गए और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए और मामले की जानकारी बाबूपुर इंस्पेक्टर अमित तोमर को दी। वहीं हंगामा होते देख अमित कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों की बात को दरकिनार करते हुए किसी भी ऐसी घटना से इनकार कर दिया, जिसके बाद व्यापारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और व्यापारियों ने बाबूपुरवा थाना पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। व्यापारियों ने सड़क को जाम करते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं व्यापारियों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही बाबूपुरवा के क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों की बात सुनी और उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। क्षेत्राधिकारी के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी व्यापारी शांत हो गए और उन्होंने प्रदर्शन करना बंद कर दिया। वहीं व्यापारियों की माने तो उनका कहना है कि कल वह क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा को जाकर गाली गलौज देने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ लिखित रूप से शिकायत करेंगे। नगर में अतिक्रमण चल रहा था, जिसको हम लोग व्यापारी समाज स्वयं इसका विरोध करते हैं। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, हम व्यापारी समाज सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन जिस ढंग से बाबूपुरवा की सिपाही द्वारा एक दिन समोसा का गाली गलौज व्यापारी का भत्ता की गई है, समोसे का विरोध गाली गलौज की गई, उसके विरोध व्यापार मंडल ने इसका विरोध किया है और सब व्यापार बंद करके इसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारी सिपाही का नाम नहीं, लेकिन चीनी तो एक सिपाही है जिसने गाली गलौज किया उनके द्वारा सूचना प्राप्त की अतिक्रमण अभियान चल रहा है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यापार मंडल के लोग सहयोगी रहते हैं, चाहे स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम में चाहे कोई भी हो, हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं प्रशासन को। लेकिन इसके बाद भी जब यकपाल जी ने बताया कि एक व्यक्ति ने पुलिस बाबूपुरवा पुलिस ने एक व्यापारी को मां की गाली दी, ये समय में थाना अध्यक्ष महोदय थे, इंस्पेक्टर महोदय को बताया गया, लेकिन इंस्पेक्टर महोदय ने उस बात को बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं लिया, बोला ऐसा हुआ ही नहीं, जबकि सौ व्यापारी बोल रहा है। क्योंकि इंस्पेक्टर महोदय खुद ही इतने महान थे, उनको ऐसा लग रहा है कि देश में वो मोदी जी से बड़े हुए बड़े अधिकारी हैं, ऐसा बाबूपुरवा लगता है। उनको अपनी हद में रहना चाहिए। अगर हम लोग व्यापारीगण व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण कुछ उनसे कहने जा रहे हैं तो उसको उनको संज्ञान में लेना चाहिए, सुनना चाहिए हम लोगों ने। आपको क्या लगता है आपकी बात को नजरअंदाज करके क्या उसका बचाव कर रहे हैं? उन्होंने सुना ही नहीं, बिल्कुल बोला ऐसा हुआ ही नहीं है, उसके बचाव पक्ष की बात कर रहे हैं। मतलब इस देश में अगर कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से भी कुछ सामान्य व्यक्ति भी कहने जाता है तो उसकी बात तो नहीं जाती है। कौन है बाबूपुरवा? अमित तोमर जी, अमित तोमर है शायद ना, तोमर साहब। ठीक।